देवकीनंदन ठाकुर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवकीनंदन जी, देखिए समस्या यही है जो जवाद का भय भी है कि बाबरी से मामला शुरू हुआ, उसके बाद फिर ये मथुरा तक पहुंचा, मथुरा से ज्ञान वापी मस्जिद तक पहुंचा और फिर ये ताजमहल तक पहुंचा। अभी सौरभ गौड़ साहब कह रहे हैं कि एक बहुत लंबी 40,000 मस्जिदों की लिस्ट है, ये सिलसिला कहां जाकर रुकेगा? देखिए मीनाक्षी जी, आप बहुत अच्छी डिबेट करती हैं और ये जो शोर शराबा है, अगर ये ना हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम लोग डिबेट कर रहे हैं, कोई युद्ध नहीं कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र में नहीं बैठे हम लोग, आपके टीवी चैनल पे बैठे हैं। आज जिस तरीके से कोर्ट का ऑर्डर आया है, सबसे पहले तो हमें उस कोर्ट की ऑर्डर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ये देश संविधान से चलता है और संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हमारे जो पूजनीय स्थान है, हमारे जो श्रद्धा के स्थान है, जिन जगहों के साथ में खिलवाड़ किया गया, जिन जगहों को तोड़ा गया, जिस जगह पर हमारी हिंदू संस्कृति की अस्मिता जुड़ी हुई है, पूरा आस्था जुड़ी हुई है, पूरा विश्व में जहां भी हिंदू रहते हैं वो कृष्ण भूमि को रिस्पेक्ट करते हैं, वो राम जन्म भूमि को रिस्पेक्ट करते हैं। सर, देश आस्था से नहीं चलता, आपके बीच में कोई नहीं बोला, आस्था से नहीं चलता, देश संविधान से चलता। आपके बीच में कोई नहीं बोला, सुनने का थोड़ा धैर्य रखा करें। आपके लिए तो मैंने एक शब्द नहीं, जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था, प्रभु आप हमारी भी सुन लीजिए कि आप लोगों को यही सिखाया गया कि सुनना नहीं है, आप प्लीज सुनिए, हम संविधान की बात कर रहे हैं और संविधान ने हमें राइट दिया है कि हम पता करें कि जो हमारे कृष्ण जहां पर आए थे, हमारे राम जहां पर आए थे, हमारे काशी विश्वनाथ जहां पर हैं, जिस काशी विश्वनाथ मंदिर में जो नंदी है, वो नंदी का मुख उल्टी साइड में क्यों है, वो आपकी ज्ञानवापी मस्जिद की साइड में क्यों है, ये हमारा राइट है कि नहीं, हम पता करें कि नहीं, हम जाके हथियार लेके तो नहीं पहुंच रहे ना वहां, हम तो कोर्ट का सहारा ले रहे हैं, कोर्ट ये ऑर्डर दे रहा है कि भैया 17 तारीख तक इसका पूरा निवारण करके दीजिए, तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग करने जाते हैं लोग, वहां जाके तामझाम लेके खड़े हो जाते हैं, अगर उतने हिंदू पहुंच गए तो विवाद कौन शुरू कर रहा है, कोर्ट का काम कोर्ट को करने दो, प्रशासन का काम प्रशासन को करने दो। मैंने तो राम जन्मभूमि पे जब निर्णय नहीं आया था तब 3 बातें कही थी अपने, उनमें एक बात कही थी अपने मुसलमान भाइयों से कि 3 जगह हमारी है कम से कम जहां हमारी विशेष आस्था है, मथुरा, काशी और अयोध्या, ये 3 जगह आप हमें दे दीजिए, बाकी के आप आराम से 300 मस्जिद हमसे बनवा लीजिए। लेकिन देवकीनंदन जी, मुझे एक बात बताएं, काशी मथुरा और आप अयोध्या की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने चिंता का सबब सुना ना, जवाद ने क्या कहा, आज काशी मथुरा अयोध्या की बात हुई, कल को सौरभ गौड़ साहब उन 40,000 मस्जिदों का जिक्र लेकर आ जाएंगे, आज मध्य प्रदेश के धार में किसी भोजशाला की बात चल रही है, कहीं ना कहीं से फिर तो ये मसला कभी खत्म ही नहीं होगा, एंडलेस हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए मीनाक्षी जी, ये मसला शुरू किसने किया था, ये मंदिरों को तोड़ने का काम किया किसने शुरू था, तो सर खत्म कौन करेगा, ये क्यों किया गया था, उनकी खत्म यही लोग करेंगे, ये कह दें कि भैया जिन लोगों ने हमारे पूरे समाज को बदनाम करने के लिए आप लोगों की आस्था, आप लोगों की भावना को ठेस पहुंचाया है, तो हम चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से भाईचारे का एक कदम उठाते हैं कि हमारे जिन लोगों ने, ये भी पूर्वज नहीं थे, वो बाहर से आए थे, तो वो कहें कि भैया हमारी गलती, उन लोगों की गलती हम सुधार करेंगे, आइए हम लोग भाई भाई बनकर रहते हैं, ये देश हमारा जितना हिंदुओं का उतना ही मुसलमान भाइयों का, सब लोग रहें, नो प्रॉब्लम, लेकिन मेरे घर में छीन कर, आपके दादाजी ने मेरे घर को छीन लिया, अब मैं कह रहा हूँ मेरा घर मुझे दे दो, आप कहें नहीं नहीं बात तो भाईचारा तो है लेकिन घर में आपका नहीं दूंगा, तो ये कैसे भाईचारा निभेगा भाई, जरा आप ही बताइए मीनाक्षी जी। आपने ये कहा, अभी नदीमुद्दीन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, मुफ्ती साहब मुझे ये बताएं, ये देवकीनंदन जी का ये कहना है कि ये भाईचारे की अगर बात है, ये घर की बात है, तो क्यों ना ये भाईचारा और ये घर की बात को घर में बड़े प्रेम से, मोहब्बत से, सुलह से निपटा दिया जाए। 3 स्थानों का विशेष तौर पर देवकीनंदन जी ने जिक्र किया, अयोध्या, काशी, मथुरा, जो उनके आस्था का केंद्र है। देखिए, वर्तमान को, अतीत को वर्तमान से तुलना करना बहुत ही गलत है। मैं कहता हूं कि बौद्ध इस देश में शिखर पर थे, आज बौद्ध लुप्त हो गए, कहाँ चले गए, अशोका के जरिए कालिंगा में लाखों लोग मारे गए थे, तो क्या वो डिबेट का हिस्सा बना सकते हैं? मैं कहता हूं कि गड़े मुर्दे उखाड़ करके आप इतिहास के नए पन्नों में देश को आग में झोंकना चाहते हैं, जिस तरह से जर्मन ने यहूदियों के साथ किया, इसराइल मुसलमानों के साथ कर रहा, वैसी देश में चंद चरमपंथी मुसलमानों के साथ ही हरकत करना चाहते हैं। इसी हरकत को ख़त्म करने के लिए 91 में वर्शिप एक्ट बना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
क्या कहा कि बाबरी मस्जिद के बाद ये किस्सा खत्म हो जाएगा। आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, आप देश के पार्लियामेंट के कानून को नहीं मानते। आज 3 मस्जिद की है, 30,000 मसाजिदों पर दावा है। मैं कहता हूं कि एक भी मस्जिद बचने वाली नहीं है। इन चरम पंथियों पर अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि देश में गृह युद्ध पर झोंकने की ये देश में चरमपंथी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मुफ्ती साहब मुझे एक और चीज समझाइए। मुफ्ती साहब मुझे एक और चीज समझाएं। आपने आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, आपने जर्मनी का एग्जांपल दिया, आपने इजराइल का एग्जांपल दिया। देश को आप कहां ले जाओगे? 30,000 मंदिरों पर, 30,000 मस्जिदों पर इनका दावा है, एक भी मस्जिद बचेगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये चिंता का विषय है और आपको कोई भी ये नहीं चाहेगा। मुफ्ती साहब सुनिए मेरी बात। इसके बावजूद ये मानने को तैयार नहीं है तो कोर्ट का फैसला मुसलमान मानते हैं, इनको कोर्ट से लेना देना नहीं है। अच्छा, ये बहुसंख्यक मुफ्ती जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुफ्ती जी, बहुसंख्यक मुफ्ती जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मुसलमानों को हांकना चाहते हैं ये देश के, शायद मेरी आवाज उन तक पहुँच नहीं रही है। मुफ्ती जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? देश चलेगा, किसी के मनमानी से देश नहीं चलेगा। चलिए मैं जवाब आपके पास आ जाती हूँ, शायद मुफ्ती जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। देखिए, उनका जो डर है, मैं उस डर को वाजिब मानती हूँ कि आज सिलसिला अयोध्या, काशी, मथुरा, आगरा, फिर धार की एक खबर मैंने आपको बता दी, भोजशाला की जो मैं जिक्र कर रही हूँ। लेकिन समस्या ये है कि जो मुफ्ती साहब ने जर्मन का एग्जाम्पल दिया, जो उन्होंने इसराइल का एग्जाम्पल दिया, अब आप ये मुझे बताएं कि मक्का और मदीना की जगह क्या कोई और ले सकता है? देखिए, बात मैं आपको थोड़ा सा और पीछे, नाम में आप बताएं, आप थोड़ा फिर पीछे और आगे समझ जाइए, क्या मक्का मदीना की जगह कोई और ले सकता है? नहीं ले सकता। अब मैं आ रहा हूं आपको दूसरी बात, यही आस्था का विषय है सर। सुनिए ना मैडम, देश आस्था से नहीं चलता, यही आस्था, देश आस्था से नहीं चलता, देश संविधान, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है कि देश को आस्था की बुनियाद पे चलाया जा रहा है। देश को आस्था की बुनियाद पे अगर आप चलाएंगे तो देश देश नहीं है। आप इस चीज को समझिए, देश के अंदर संविधान है, 1947 के बाद देश आजाद हो गया। इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, राइट विंग्स लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो हिंदुस्तान को एक जमीन का टुकड़ा समझते हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता कि हिंदुस्तान 556 रियासतों को मिला करके बनाया गया है, जिसमें तरह तरह की भाषाएं हैं, तरह तरह के धर्म हैं, तरह तरह के पहनावे हैं, तरह तरह के लोग हैं, इन सबको मिला करके भारत जैसा एक खूबसूरत मुल्क बनाया गया। और जिनको जिनको एक धर्म के आधार पर देश चाहिए था उन्होंने ले लिया, और यहां के मुसलमानों ने जिना की टू नेशन थ्योरी को अपने जूतों की नोक पे रखा और यह कहा कि हमारा नेता, देश का पहला ब्राह्मण नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा जिसको यहां के मुसलमानों ने मारा। लेकिन आज समस्या क्या है कि हर तरीके से यहां के अल्पसंख्यकों को टारगेट जिस तरीके से करा जा रहा उसके ऊपर समस्या है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।